किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के विधायक ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, काजी निजामुद्दीन समेत सभी विधायक ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचे। सभी विधायकों के हाथ में गन्ना था। ट्रैक्टर से विधानसभा गेट के अंदर वो घुसे। किसानों की समस्याओं के समाधान और गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी की मांग चल रही है। सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया जा रहा है। तो सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए ट्रैक्टर पर लदकर और हाथों में गन्ने लेकर पहुंचे कांग्रेस के विधायक पंकज राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। फोन लाइन पर उनसे अपडेट लेते हैं। पंकज, कौन कौन सवार है इस ट्रैक्टर पर प्रीतम सिंह के साथ? देखिए, कांग्रेस के सारे विधायक इसमें मौजूद थे और प्रीतम सिंह नेता प्रतिपक्ष के तौर पर थे, और उसके बाद कांग्रेस के जो 10 विधायक थे वो सभी आज विधायक हॉस्टल से गन्ने हाथ में लेकर ट्रैक्टर के जरिए विधानसभा पहुंचे। ये विरोध प्रदर्शन था सरकार के खिलाफ कि एक तो गन्ना मूल्य सरकार ने निर्धारित नहीं किया 2021-22 के पराई सत्र के लिए, इसके साथ साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में जो फसलें उगाई जाती हैं, चाहे हम धान की फसल की बात करें या फिर झमोरे की बात करें या इसके अलावा मक्का की बात करें, तमाम फसलें जो पहाड़ी क्षेत्रों में उगाई जाती हैं उसका मूल्य निर्धारित सरकार ने नहीं किया। इन तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस का आज विरोध प्रदर्शन था। हालांकि अब सत्र की कार्यवाही शुरू हो गई है और सत्र की कार्यवाही के दौरान भी विपक्ष ने सदन में विधानसभा अध्यक्ष से नियम 310 के तहत चर्चा की मांग उठाई थी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष की ओर से अब नियम 58 के तहत गन्ना किसानों के मूल्य और किसानों के की तमाम समस्याओं को लेकर चर्चा चल रही है। काजी निजामुद्दीन ने सरकार से मांग की है कि पराई सत्र 2021-22 के लिए सरकार ने गन्ने मूल्य कितने रुपए निर्धारित किया है, तमाम चीजों की चर्चा चल रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि आज विपक्ष के तमाम जो नेता विधायक थे वो सदन के भीतर ट्रैक्टर लेकर पहुंच गए थे। ये प्रोटोकॉल के तहत नहीं आता है, लेकिन क्योंकि विपक्ष ने सरकार पर दबाव बनाया और तमाम जो मार्शल और सुरक्षा के जवान थे उनको हटाकर वो ट्रैक्टर से विधानसभा गेट के अंदर पहुंच गए और एक विधानसभा का जो परिसर है पूरा उसका एक चक्कर काटा और सरकार से मांग की कि गन्ना किसानों का जो भुगतान है वो किया जाए, उसके साथ साथ ही जो पराई क्षेत्र 21-22 के लिए उसका गन्ने मूल्य निर्धारित किया जाए। जी हाँ, बिल्कुल। तो इन तमाम मांगों को लेकर ट्रैक्टर पर लद गए कांग्रेसी विधायक और पहुंचे विधानसभा। किस अंदाज में, किस तरीके से आपको दिखा रहे हैं, हाथों में गन्ना था कि गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए, और जो किसान परेशान हैं उनकी समस्याओं को लेकर एक सांकेतिक रूप से उन्होंने आज ट्रैक्टर की सवारी की, हाथ में कांग्रेस का बैनर लेकर, हाथों में गन्ना लेकर। प्रीतम सिंह और तमाम कांग्रेस के विधायक जो थे वो विधानसभा इस अंदाज में पहुंचे। पंकज राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, विधानसभा के बाहर जो आवाज और तस्वीरें हमें दिखाई दे रही है, क्या वही आवाज विधानसभा के भीतर भी सुनाई दे रही है कांग्रेस की तरफ से जो किसानों को लेकर उठाई जा रही है? बिल्कुल, देखिए, सदन के भीतर भी कांग्रेस के सभी विधायक सरकार पर लामबंद हैं और पूरी तरह से सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है। और अभी सदन के अंदर किसानों के मूल्यों को लेकर, जो फसलें हैं उसके निर्धारित को लेकर आवाज उठाई जा रही है। काजी निजामुद्दीन सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने 2020 और 2021 के बाद अभी भी गन्ना मूल्य निर्धारित नहीं किया है, जबकि पेराई सत्र है वो 8 नवंबर से शुरू होने वाला है। सदन के भीतर सभी जो कांग्रेस के विधायक हैं वो एकजुट है और ये कोशिश कर रहे हैं सरकार दबाव बनाने की, जो 10 ही विधायक है लेकिन सरकार को पूरी तरह से घेरा जा सके। गन्ने मूल्य को लेकर अभी चर्चा चल रही है, उसके बाद जो अन्य तमाम फसलें किसानों की है उसके मूल्य को निर्धारण करने के लिए भी मांग उठाई जाएगी। नियम 58 के तहत चर्चा शुरू हो गई है और जो यतीश्वर जो गन्ना मंत्री है वो भी फिलहाल जवाब दे रहे हैं। जी,